हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट ऐड लव। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। आज योगा डे के स्पेशल एपिसोड में मैं आपको हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ। डेली कम से कम 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर करें। यदि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप योगा थेरेपी भी ले सकते हैं, वो बहुत ही फायदेमंद होता है। टिप नंबर 2, डेली कम से कम 5 मिनट के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन से मेरा मतलब ये नहीं कि आपको आँख बंद करके बैठना हो। आप चाहे तो आसमान की तरफ देख के कोई अच्छे थॉट्स ला सकते हैं। मेडिटेशन का मेन मतलब होता है कि आप सारे नेगेटिव थॉट्स को दूर रखें। टिप नंबर 3, टाइम से उठें, टाइम से सोएं और टाइम से खाना खाएं। टिप नंबर 4, हेल्दी मील सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम एक हेल्दी डेजर्ट बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, डेजर्ट। चिया सीड, जिसे सुपर फूड भी कहा जाता है। बहुत लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि क्या चिया सीड और सब्जा सीड सेम है, तो वो दोनों सेम नहीं है। भले ही वो दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं जो कि मिंट की फैमिली है, लेकिन चिया सीड को आप ऐसे भी खा सकते हैं और सब्जा सीड को आपको हमेशा भिगो के खाना चाहिए। सब्जा सीड और चिया सीड के हेल्थ बेनिफिट ऑलमोस्ट सेम है, तो चलिए देखते हैं कि इसकी क्या हेल्थ बेनिफिट है। ये हाई इन फाइबर है, वेट लॉस में आपकी मदद करता है, बोन्स को स्ट्रेंथ देता है, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, इसमें ओमेगा 3 फैट्स है। चलिए साथ में मिलके बनाते हैं चिया ओट्स पुडिंग। मैंने यहाँ 1 कप मिल्क लिया है। आप चाहें तो इसके बदले आमंड मिल्क या फिर कोकोनट मिल्क का भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ लगभग 4 चम्मच चिया सीड लिया है। अब उसे हम मिल्क के साथ मिला लेंगे। अब इसे लगभग 20-30 मिनट्स के लिए सोक होने के लिए साइड में रख दें। अब एक बनाना को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि चिया सीड कितने अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ओट्स। मैंने यहाँ पे क्विक ओट्स लिए हैं। यदि आप रोल्ड ओट्स ले रहे हैं तो उसे पहले से ही भिगा के रखें। यदि आपको मिल्क का स्मेल नहीं पसंद है तो आप चाहें तो इस वक्त वेनिला एसेंस के 1-2 ड्रॉप डाल सकते हैं। अब इसे 5 मिनट साइड में रख दें। चलिए बढ़ते हैं आगे फ्रूट्स की तरफ। आप अपने पसंद के कोई भी फ्रूट्स यहाँ यूज कर सकते हैं। मैं यूज कर रही हूँ एप्पल, बनाना, अनार, कीवी, डेट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स एक्स्ट्रा क्रंच के लिए। वैसे बनाना और डेट्स की वजह से मिठास इतनी बढ़ जाती है कि आपको एक्स्ट्रा शुगर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सारी चीजों को असेंबल करते हैं। सबसे पहले मैंने डाला है बनाना, जिसे मैंने मैश करके रखा था। इसके बाद थोड़े से डेट्स, फिर हम डालेंगे चिया सीड और ओट्स को जो मैंने भिगा के रखा था। इसके बाद हम एक एक लेयर फ्रूट्स का डालते जाएंगे। इस दूसरे ग्लास में मैंने पहले वाले की तरह ही सारी चीजों को रखा है। इसमें एक्स्ट्रा में मैंने फ्रूट जैम यूज किया है। आप अपने पसंद का कोई भी फ्लेवर का फ्रूट जैम यूज कर सकते हैं। मैं जो फ्रूट जैम यूज कर रही हूँ उसमें कोई भी शुगर नहीं डाला हुआ है, उसकी मिठास सिर्फ बेरीज से है।
जैसा कि आपने देखा इसमें सारी हेल्दी चीजें हैं, तो इसे आप चाहें तो अपने ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। चिया ओट्स पुडिंग अब रेडी है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया। इसे अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।